आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो जिला के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावित चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। आज सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नवाडीही स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में आयोजित समारोह में 17,97.82 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर यहां अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। वहीं इस मौके पर उन्होंने लाभुकों को 5,634.94 की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो का इस क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव रहा है। यहाँ के जनता के हर सुख दुख में वो सदैव खड़े रहते हैं। जो एमएम ने इस क्षेत्र में विकास की रोशनी घर घर तक पहुंचाई है, जेएमएम सदैव सिर्फ विकास की बात करता है। लोगों के विकास के लिए उनकी सरकार संकल्पित है। इस समारोह में डुंगरी के स्वर्गीय विधायक जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी मंत्री उत्पाद विभाग बेबी देवी, राज्य सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र साव सहित जिला अधिकारी सहित हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा आदेशों पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए हैं। 1932 के खतियान के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन भाजपा आज तो हमारे कानून को धारा सही करने का काम कर रही है। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 1932 हमारा मुद्दा है और हम लेकर रहेंगे। भाजपा 1985 का कानून बनाया और यहाँ के बेरोजगारों को ठगने का काम किया। हम लोगों को कोर्ट में जाकर चुनौती देता है और गरीब आदिवासी पिछड़े का हक मारा करता है। 1932 हमारा अधिकार है। मधुपुर विधायक मंत्री उनका इस कोरोना ने उसको ले लिया। जगन्नाथ दास को भी जब कोरोना ने चपेट लिया, किसी तरीके से उनको पकड़ कर हम एक बार बचा तो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने 32 के खतियान के आधार पर नियुक्ति लेने का कानून बनाया। हमारे बीजेपी और आजसू के लोग मिलकर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे करके वो 32 के हमारे कानून को धाराशाही करने का काम किया। और अब जब हम अपनी पुरानी व्यवस्था के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दे रहे हैं, एक नया नारा यहां लेके लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। अभी इन लोगों ने, इन लोग विद्वान लोग है ना, कोर्ट कचहरी कानून और षड्यंत्र रचने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। यही लोग हैं जो 85 का कानून बनाया, दस्तखत किया, हर राज्य अपने राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कानून बनाता है, वहां जाते ये लोग चुनौती नहीं देता है। लेकिन झारखंड में जब हम अपने राज्यवासियों को नौकरी देने की बात करते हैं तो हमें चुनौती देते हैं। लेकिन अभी हम हारे नहीं, लंबी छलांग के लिए हम दो कदम जरूर पीछे आए और 1932 को हम लोग पूरा फिर से आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो थोड़ा सा एक आध दरवाजा से चोरी छुपे घुस जा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा लोग।